क्या हाय मेरे चीतो गुरु, क्या हालचाल है गुरु? घंटाल चीते जान मेरी, लव यू हो गया ट्रक भर के सारे। कैसे हो, कैसे हो गाइस? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एक नंबर। अल्लाह हरिया लूट रहे होंगे। वेलकम बैक माय ब्लॉग चैनल गाइस। क्या ख्याल है, क्या किया जाए आज का? वही है, 1:11 हो रहा है, ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। जा रहा हूँ मैं लिंदा को लेने, फिर जाऊँगा बच्चों को लूंगा। वापसी में टाइम लग जाएगा और नेट मेरा हो गया है ख़त्म, इसलिए आज का ब्लॉग बहुत लेट अपलोड हुआ था, तो देख लो जाके, समझ रहे हो। और हम जा रहे हैं, मोहल्ले में ही हैं, इनको लेंगे। अभी नहाए, सोए तो नहीं है, नींद तो आ रही थी लेकिन सोए नहीं। नहीं सोने का रीज़न ही है ना गुरु, कि सो जाओ तो रहती है, नींद नहीं आती। और इकट्ठा जब सो ना रात में, अरे 2:30 बजते बजते तो ये ज़बरदस्त नींद आती है। कि मैं ब्लॉग एडिट करके और डाउनलोड पे लगा दिया था कि डाउनलोड हो जाए, और मैं देखा ही नहीं, मोबाइल पड़ी रही, सो गया। मैं सुबह में उठा देखा तो डाउनलोड पड़ा था। अरे भाई साहब, इतनी तगड़ी नींद आ रही थी। फ़ोन को ऐसे ही बिना साइलेंट वाइलेंट किए रख दिए, 5 बजे ही टन 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 बजने लगा, बंद किया उठ के। भाई तो चलो आ गए हैं इनको लेने के बाद चले, फिर आएंगे तो नेट उठ करवाएंगे, तो मिलते हैं आप लोगों से। मौसम तो बहुत तगड़ा हुआ है गुरु, चला जा माता, टाइम हो गई। बुढ़ी से पूछे कुछ चाहिए तो करी नहीं, हम क्या जा रहे हैं, करी जाओ। और सोना ना तो नींद आने लगती है, इसी टाइम पे नींद आती है, इस टाइम पे और जब रोजा खोल के हो तब। भाई मैडम का बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया यार, गुरु मना नहीं करती कि नहीं नहीं जाना है माथे पे, तेल का कोई मसला नहीं, 20 रुपया का तेल डलाएगी लेकिन मना नहीं करेगी। मैं रोज़ा खोलने के टाइम से पूरे रात तक सोने के टाइम तक मैं 3-4 चक्कर माथे का मार लूँ तो मना नहीं करेगी। वो जानती है, फतूर भी वहीं पे करता है, सहूर भी वहीं पे करता है, खाना भी वहीं खाता है, सेहरी भी करता है, तब मैं वहीं पे करता हूँ, लेकिन मना नहीं करती। भाई अच्छी है, एहसान है। अरे नागिन डांस कर रहा गुरु, ऐसे जा रहा फिर ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन लड़ी नहीं, नागिन डांस करा रहा था। तुम लोग भी कहते हो कि झूठ बोलता है ना कि अरे अभी सड़ गई होती है अभी, लेकिन गुरु ये भीड़ होती है। और जब मेरी सबकी अलग अलग चलाने का सबका अलग अलग तरीका होता है, कोई बहुत स्लो स्लो जाता है बच बचा के, मैं भी बस स्लो चलता हूँ बच बचा के, लेकिन गुरु बड़ी लंबी क्लिप हो गई यार भाई। लेकिन गुरु जो क्या है ना, मेरा क्या है ना, पता नहीं क्यों मेरे से ही रोड पे अक्सर पागल मिल जाएंगे, सनकी मिल जाएंगे, घर से लड़के आ रहेंगे वो मिल जाएंगे, मेरे साथ ही सब मिलते हैं। अभी यहीं पे वो सांप सीढ़ी खेल रहा था मेरे साथ, ऐसे ऐसे करके फिर बोला चल ठीक। और फिर उसके बाद जैसे ही एक यमीन मारा तो मैं उसको देख रहा था, जैसे ही यमीन घुसा तो मैं वो मेन रोड पे चढ़ा, जीएमसी वाला आ गया, मैं झटके से यमीन साइड में घुस गया फिर से। अरे गुरु कल रात को यहीं मारती है दुवार पे, जो बड़ा हॉस्पिटल है वो दुवार, वहीं पे एक ये जो बकाला पे वो जो पहुंचाते हैं ना ये सब खुबूस रोटी और वो अलमराई का सब कुछ, मतलब वो जो दही वही जूस उस सब पहुँचा, उसी गाड़ी थी। और दोबार से मैं ना माथे पे आ रहा था, सीधा अपने रूम से माथे पे आ रहा था। अरे गुरु इतना, मतलब वो साला अंधा हो गया था या उसको समझ में नहीं आता, ऐसे सांप सीढ़ी की तरह चला के निकला उसमें से, कि अगर पहले गाड़ी बची मैं बोला वो रुकेगा नहीं, बीच में देख रहा कि मैं वहाँ आ गया हूँ घुस गया। अरे एकदम थोड़ा सा बचा था, मेरी लड़ती मैं, अगर जो मेरी में वो लड़ता तो मेरी जाके दूसरे में लड़ती, दूसरे की तीसरे में लड़ती, ऐसे। अबे तो 4 इंडिकेटर बाहर के पहुँचे आगे लिए 10 गाड़ी, बहुत गाड़ी आए बे, करा रहे मालिश मालिश, हम तेरी बहन का मालिश का करते रहे, अचार डालते मालिश का जब लड़ जाती तो, बहुत गाड़ी थी बहुत, लेकिन फिर हम क्या जाने क्या फायदा। देखो गुरु आपसे बात करते करते हम आगे मालते पे, चलो देखते हैं क्या व्यवस्था है क्या सिस्टम है, फिर बाद में मिलते हैं आप लोगों से रोजा खोलने के बाद। दिखा दिए, देख रहा हूँ मौसम, ओए हाय हाय, ओए हाय हाय, मौसम देख रहा हूँ। ये रहा जुबैद का रूम, जाम रहता है गुरु, बहुत जाम रहता है, पता नहीं इनका क्या घड़ गया। आर एम एक्स में जाए थे, गैस बन जाती यार गुरु, इतना गैस बन रही है कि क्या ही किया जाए। ट्राफिक पड़ के निकले गए आराम एक्स में, इतनी भीड़, वापस चले आए बुड्ढी को घर छोड़े, फिर जा रहे हैं आराम एक्स, बाबा को दवाई लेनी थी तो सैदलिया चले गए थे,
यानी ऐसे ओवरटेक करी टीपू का डब्बा था, खूब बड़ा सा एक डब्बा आता ना गुरु का, महंगा वाला बकाला शुरू हो गया था। गए सामान वाल लेके तो बुढ़ी से वो खुल नहीं रहा था, तो बुलाई हमको, हम गए वहाँ कसम अपने से भी नहीं खुल रहा था गुरु, इतना टाइट बंद था। ओसड़ी की ऐसी बाइकिंग की जाती है, कमजोर आदमी फिर तो बुलाया ना खूब इनको उनको खुलवाने के लिए, ले मांगे पेचकस हथौड़ी मारे ठक से खुल गया। अब जा रहे हैं गुरु, लाइट ऑन है ना, जा रहे हैं गुरु अब दरवाजा दिखाएंगे पाकिस्तानी को, भैया इसको खोल के 5 मिनट लगेगा उसको इसको बनाने में, 5 मिनट में एकदम तड़ तड़ा तड़ 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 हो जाएगा, समझ रहे हो? ये एक इशारा है कोदो सॉरी पांडा, पांडा को पार करेगा वो दुकान आ जाएगा। आती है ना क्या, 5 मिनट लगेगा यार, ज्यादा नहीं। इधर अपना एक दोस्त रहता है यार, खड़े खड़े यार 2 मिनट में बन गया, समझ रहे हो? जब भी पैसा लेंगे बाबा से बोलेंगे कि 20 रुपया लगा है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, आज तक हमने एक काम नहीं किया कभी, और कभी कोई करना भी मत, ये बहुत गलत बात है बहुत। नहीं तो अगर जो मैं करना चाहता ये सब चीजें तो मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों कि मेरे पे इतना आँख बंद करके ट्रस्ट करते हैं ना, कोई सामान दे देंगे ले जाके बनवा लो अजमत, इतना पैसा लगा बता दूंगा कि इतना पैसा लगा, बिना कुछ पूछे ना ही कि नहीं रसीद दिखाओ कुछ नहीं, बिना पूछे उतना पैसा दे देंगे सब। अभी कुछ दिन की बात है गुरु, लड़की दी थी अपने छोटे वाले लड़के सुलेमान का चश्मा टूट गया था, लेके गया उसको बनवा के लाया, पूछ रही थी कितना पैसा लगा, 1 रुपया नहीं लगा था, कहने को तो मैं कह देता कि हाँ वो 10 रुपया लिया या 5 रुपया लिया, लेकिन 10-5 रुपए के लिए क्यों हम अपना ईमान खराब करें दोस्तों? कभी ये काम मत करना, कभी भी नहीं। मिलता हूँ मैं अभी, लिए पानी लिए बकाला प्रूफ के 10 रुपए का, और असलम का फोन आ गया था और नौशाद भाई का भी फोन आ गया था, और जुबैद कल जा रहा है रियाद, तो मुझे पता नहीं होता माथे पे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, खाने में क्या है क्या है कुछ नहीं पता होता गुरु। और आई नो कि आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा अंधेरे में हो रहा है, लेकिन आवाज तो हमारी आप तक पहुंच रही है ना गुरु। तो अचानक से वो बिरयानी बनानी है, थोड़ा सा चिकन का मुर्गी का, सुनवा जलान मत कर पे, अचानक से हम क्या वही पता चला था नौशाद भाई कौन की, समझ गया जलान मत करना, नौशाद भाई बोले थे अचानक बन गई कल क्योंकि जुबैद चला जाएगा रियाद, तो असलम को बुलाने के लिए नौशाद बोले, मुझे पता नहीं होता है क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, नॉट जलान नहीं होने का। Hey guys, देखो हम आपको किस बंदे से मिलाना चाह जा रहे हैं, जो रहा बंदा जा रहे बिरयानी, जा रहे बिरयानी खाने, जुबैद बिरयानी बनाए थे तो वही है, असलम भाई को लेके जा रहे हैं, कहा ना तू बनी आए थे यही से थे दोबारा से, हम दोबारा से तो मुड़ गए हैं ना गुरु, यही मिलता हमारा, देखो हमारी एक दवाई है, अगर बिना दवाई के महत्ता भी गए तो दवा नहीं रहेगा तो काम ही नहीं चलेगा, खाना खाने के बाद खाना पचता नहीं है गुरु, इसीलिए दवा खाना दे 4 रुपया 5 रुपया। असलम देख रहो हमारे सुनने में ऐसा लग रहा था फर्क पड़ गया, हम सही सुन नहीं पाए, वो जो पीने वाला छोटा होता ना काश, वो अभी ये तो चेक हो गया, अभी जा रहा वापस करने, तेरा पैसा है चल ला तू ले ले, बोले 6 रुपये से 7 रुपये का पड़ता है, जा रहे इसको वापस करके वही लेंगे, 7 रुपये का पड़ता है ये, 12 रुपये तो बाकी पैसा वापस आ जाएगा, देखो 15 रुपये ये और 15 और 20 वो, यानी टोटल तेरे को 35 रुपये साथ देना है, ले लियो गुरु किसी ना किसी दिन दे दूंगा, तो अभी चल के इसको वापस करेंगे फिर रूम पे जाएंगे, पंडा इशारा पे खड़े दोस्तों, पंडा इशारा बहुत शीशा गंदा है गुरु, जस्ट अभी दोबारा भाग के उसके लिए 6-5 रुपए का एक छोटा सा ग्लास आता है इतना बड़ा उसमें ले गया, करी दोबारा अजमल ध्यान से सुनना, बहुत टूट रहा है हमको, ठीक है तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो, तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें, और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, मां सलामत, टेक केयर, बाय बाय, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, लव यू ऑल, बाय।